हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करेंगे हियर योरसेल्फ बुक के बारे में, जो कि प्रेम रावत जी ने लिखी है, और मैं कुछ कहानियों से इसकी शुरुआत करूंगी। पहली कहानी रामायण से आती है। एक छोटी सी गिलहरी थी जो अपने आप को पानी से गीला करती थी और उसके बाद जाकर रेत में लौटती थी और रेत उसके शरीर से चिपक जाता था। उसके बाद वो उस रेत को दो पत्थरों के बीच में जाकर बैठती थी और उस रेत को वहां पर छोड़कर आती थी। वो ऐसा ही करती रही। सुग्रीव जी उसे देख रहे थे। सुग्रीव जी राम जी की तरफ देखने लगे। राम जी ने कहा कि ये माना बहुत छोटी सी सेवा कर रही है, पर हमें इसकी ये छोटी सी सेवा भी बहुत मायने रखती है। करनी चाहिए उन लोगों की जो हमारे लिए, जो हमारी मदद करते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके ऑफिस के एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो आपके घर के हेल्प हो सकते हैं। छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपकी लाइफ में चेंजेस ला रहा है। प्रेम रावत जी कहते हैं कि प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है जब हम ये मानने लग जाते हैं कि दूसरा इंसान हमारी प्रॉब्लम का कारण है। आप अपनी सारी पावर उस इंसान को दे देते हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर दे। आगे वो कहते हैं कि अगर डेथ हमारे पास आए तो हम बहुत ही बिजी हो जाएंगे कि अभी तो हमारा ये काम भी बचा हुआ है, हमारा ये काम भी बचा हुआ है। हम ऐसे जी रहे हैं कि जैसे हम कभी जाएंगे ही नहीं। ये देखने की बहुत जरूरत है कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं, क्या उसमें शांति है, क्या उसमें सेटिस्फेक्शन है, क्या आपके पास पीस है। ये सब चीजें चेक करना बहुत ही जरूरी है। चलिए अगली कहानी की तरफ बढ़ते। द्रौपदी को पता चला कि वेद व्यास जी आए हुए हैं। वो उनसे मिलने गई। द्रौपदी ने उनसे कहा कि आप मेरा भविष्य बताइए। वेद व्यास जी ने कहा कि तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी और कई लोगों का खून बहेगा। द्रौपदी ये सुनकर बहुत ही विचलित हो गई। उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जिससे ये सब ना हो, मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ। इस पर वेद व्यास जी ने उन्हें तीन बातें बताई। उन्होंने कहा कि अगर तुम इन तीन बातों को फॉलो करोगी तो सब लोगों की जान बच जाएगी। पहली चीज थी कि कभी किसी का अपमान मत करना। दूसरी चीज थी कि अगर कोई आपका अपमान करे तो गुस्सा मत करना। और तीसरी चीज थी कि अगर कोई आपका अपमान करे तो बदला मत लेना। आप देखेंगे जब आप बदला नहीं लेते हैं तो आपकी लाइफ से वो पीस कोई ले नहीं सकता, क्योंकि आपको कई लोग मिलेंगे ऐसे जो ऐसी कई चीजें करेंगे जो जिसकी वजह से आपको रिवेंज लेने का, बदला लेने का मन हमेशा करेगा। पर जब आप वो छोड़ देते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं कि चूज योर बैटल्स वाइजली, हम अपनी लड़ाई जब देखकर चुनते हैं तो उससे हमारा पीस हमारे साथ रहता है। आप हर लड़ाई चूज करेंगे, हर इंसान से जीतना चाहेंगे तो आप अपने आप से ही हार जाएंगे। तीसरी कहानी की जरूरत पड़ते हैं। एक राजा के यहाँ एक युवक काम करता था। राजा कई बार देखते कि वो युवक बहुत ही खुश नजर आता था। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी ये इतना खुश कैसे रहता है। इस पर मंत्री ने कहा कि क्या आप देखना चाहते हैं इसका कारण क्या है। राजा ने कहा हाँ। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा ठीक है। मंत्री ने अगले दिन उस युवक के यहाँ पर 99 स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली भेज दी। जब वो थैली युवक ने देखी, उसने देखा कि उसके पास 99 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब उसका दिमाग चलने लगा कि 100वीं स्वर्ण मुद्रा उसे कैसे मिले। वो बहुत ही परेशान रहने लगा। जो चीज उसके पास नहीं थी वो उसके पीछे भागने लगा, और जो 99 स्वर्ण मुद्राएं उसके पास थी उन्हें वो भूल गया। उनकी कदर उसने नहीं की। वो उस 100वीं स्वर्ण मुद्रा के पीछे लग गया और बहुत ही दुखी दिखने लगा। कुछ दिन के बाद राजा ने देखा कि युवक बहुत दुखी था। इस पर राजा ने युवक से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम तो बहुत खुश रहते थे। इस पर युवक ने कहा कि राजन, मेरे पास 99 स्वर्ण मुद्राएं कहीं से आई हैं पर 100वीं स्वर्ण मुद्रा नहीं मिल रही है। इस पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देता हूं तो तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं 100 हो जाएंगी, तब तो तुम खुश हो जाओगे ना। इस पर युवक ने कहा नहीं राजन, अब मैं 99 के फेर में पड़ गया हूं। अगर आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे तो मैं 101 के बारे में सोचूंगा, फिर मैं 110 के बारे में सोचूंगा। खुशी मेरे पास से चली गई है। हम बहुत इजीली कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं जो चीजें हमारे पास होती हैं, और जो चीजें हमारे पास नहीं होती हम सारी जिंदगी उनके पीछे भागते रहते हैं। ऐसी कई कमियां हम अपने अंदर देखते हैं, अपने जीवन में देखते हैं, फिनेंशियली देखते हैं, प्रोफेशनली देखते हैं, और उनके पीछे भागते रहते हैं। और इस रेस का कोई अंत नहीं है।
ये एक ऐसी रेस है जिसमें आप हमेशा भागते ही रहेंगे और एक दिन टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो चीजें हमारे पास हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखें। आभार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है जो आपकी लाइफ को चेंज करता है। तो ये सारी प्रेम रावत जी की कहानियां मैं आज आपके लिए लेकर आई थी। मुझे इनसे बहुत पीस मिलता है और कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए मैं ये आपके लिए भी लेकर आती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे जरूर मिलूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट।